राजा जब पिंजरे का पर्दा हटाकर प्रजा को मदर वुल्फ वॉकर दिखाता है, तब लोग उसे जला देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। राजा मदर वुल्फ वॉकर को बाहर निकलवाता है, वो उसे जलाने ही वाला था। तभी नन्ही वुल्फ वॉकर अपना पिंजरा तोड़कर अपनी माँ को बचाने आ जाती है। वो सबको डराने की कोशिश करती है, मगर रॉबिन के पिता उसे पकड़ लेते हैं। नन्ही वुल्फ वॉकर अपने आप को छुड़ाकर भागती है और सिपाहियों से बचती हुई किले की दीवार पर चढ़ जाती है। वो राजा और उसकी प्रजा को धमकाती है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर जल्दी ही भेड़ियों की एक विशाल सेना लेकर अपनी माँ को बचाने के लिए वापस लौटूंगी, और तब तक अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो इस शहर में खून की होली खेली जाएगी। तुम्हारी बर्बादी का मातम मनाने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। वुल्फ वॉकर के वहाँ से चले जाते ही राजा अपनी प्रजा को दिलासा देने लगता है कि आप सबको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सेना को लेकर अभी जंगल जा रहा हूँ और उन भेड़ियों के साथ उनके पूरे जंगल को जलाकर मिट्टी में मिला दूंगा। रॉबिन के पिता को आदेश मिला था कि मदर वुल्फ वॉकर को मार दो, मगर रॉबिन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और मदर वुल्फ वॉकर को छुड़ाकर उसके साथ जंगल की तरफ भागने लगती है। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम समझ जाएंगे।